केंद्रीय सरकार द्वारा अग्निवीरों की भर्ती थलसेना, वायुसेना और जलसेना में की जा रही है 4 वर्ष के लिए, जबकि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद देश में सेना की भर्ती स्थायी तौर पर की जाती थी और वन रैंक और वन पेंशन की मांग करने वाली पार्टी आज केवल मात्र 4 साल के लिए स्थायी तौर पर सेना में जो भर्ती का अभियान चला रही है, हम सत्याग्रह के माध्यम से उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारा ऐसा सोच है कि सेना का स्थायित्व होना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी में रोज़ बदलाव आते रहते हैं, उस बदलावों को ध्यान में रखते हुए हमें सेना में स्थायित्व चाहिए और इसके लिए जल सेना, थल सेना और वायु सेना में स्थायी तौर पर सेना की भर्ती होनी चाहिए, नहीं तो 4 साल बाद ये लोग सब बेरोज़गार हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय वर्गीय जी जो मध्य प्रदेश से आते हैं, वो कहते हैं कि हम इनको चौकीदार रख लेंगे। क्या 10 लाख सैनिकों को वो चौकीदार रखेंगे? ये सेना का अपमान है। हम चाहते हैं कि इस निर्णय को बदला जाए और सेना में स्थायित्व भर्ती की जाए।